गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज सरोज कौशल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे ब्लड की डिजीजेज, तो सबसे पहले हमने आरबीसीज कर लिया था। अब उसके आरबीसीज की वजह से होने वाली बीमारियां करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया है अनीमिया। तो अनीमिया क्या होता है? वो कंडीशन बॉडी में जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाए तो उसको कहते हैं अनीमिया, ठीक है। अनीमिया बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ लो काउंट ऑफ आरबीसीज की वजह से अनीमिया होता है। आरबीसीज अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो आरबीसी सेल नहीं बनेंगे। जब सेल नहीं बनेंगे तो फिर उनका काम है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। जब आरबीसीज फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, ठीक है। और इस वजह से क्या हो जाएगी, वो कंडीशन जो हो जाएगी, जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो बॉडी में हो जाएगी, उसको कहेंगे एनीमिया, ठीक है। सेकेंड इज आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एज इट्स नेम इंडिकेट, आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, ठीक है। हमारे ये मोस्ट कॉमन एनीमिया है। क्यों होता है? हमारा जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर अगर आयरन नहीं होगा, आयरन से ही हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फिर जो अनीमिया होगा उस आरबीसीज नहीं बनेंगे, फिर उस कंडीशन में जो अनीमिया होगा वो क्या होगा? आयरन डेफिशिएंट सी अनीमिया होगा, ठीक है। आयरन की कमी से, फूड में आयरन की कमी होने से ये होता है। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया होता है जब आरबीसीज की शेप डिस्टर्ब हो जाती है, सिकल जैसी हो जाती है, ठीक है। और एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या हो जाता है, वेसल्स ब्लॉकेज हो जाती है, पेन, स्ट्रोक, ठीक है, नर्व्स में मतलब वो संकुचन जैसा रहता है, ठीक है। तो इस तरह की इसमें दिक्कत हो जाती है। उसके बाद थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया होता है जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी। इसमें प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो लो हो जाती, कम हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की सब यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाती है, कम प्रोडक्शन, डिक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसीज कॉज क्या करता है? थैलेसीमिया, ठीक है। उसके बाद परनीशियस अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गैस्ट्रिक और इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, मतलब कहने का, परनीशियस अनीमिया जो होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इम्यून सिस्टम के अंदर, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून मतलब अपने अंदर से ही पैदा हुई बीमारी। क्या है इसमें, क्या होता है बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, हमारा फूड जो हम खाते हैं उसमें से B12 को अब्जॉर्ब करने की क्षमता खत्म हो जाती है इसके अंदर। ये फैक्टर एब्सेंट नहीं है तो फूड क्या नहीं कर रहा, फूड के अंदर से बॉडी क्या नहीं ले पा रही है, B12, जो कि बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन के लिए। तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे परनीशियस अनीमिया हो जाएगा। इस कॉज में अनीमिया जो होगा उसको क्या कहेंगे, परनीशियस अनीमिया। B12 हमारी बॉडी में HB प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जब एब्सेंट होता तो B12 नहीं अब्जॉर्ब होगा फूड से और बीमारी हो जाएगी, उसको बोलेंगे परनीशियस अनीमिया। नंबर 6, एप्लास्टिक अनीमिया। अब एप्लास्टिक अनीमिया क्या है? वो कंडीशन जिसमें बोन मैरो अनेबल हो जाता है, बोन मैरो असमर्थ हो जाता है, क्या ब्लड सेल्स उसके अंदर बनते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनते हैं। जब बोन मैरो ये सेल्स बनाने में असमर्थ है, नहीं बना पा रहा है, तो इसको बोलेंगे अप्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर सेवन इज प्योर रेड, क्या है, प्योर रेड सेल एप्लेशिया। ये कंडीशन क्या है? ये वो कंडीशन है जब बोन मैरो बाकी सेल्स तो बना पा रहा है, WBCs और प्लेटलेट्स बना पा रहा है, बट WBCs और प्लेटलेट्स के साथ साथ, मतलब जो तीसरा RBCs बनता है, RBCs नहीं बना पा रहा। सीधी सी बात आप समझ रखिए, प्योर रेड सेल, रेड सेल से सीधा आपको इंडिकेशन है कि रेड सेल्स नहीं बना पा रहा है। एप्लेशिया वो कंडीशन है, प्योर रेड सेल एप्लेशिया वो कंडीशन है जिसके अंदर बोन मैरो RBCs नहीं बना पा रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9, हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया वो कंडीशन है जिसमें जो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ब्लड की कमी हो जाती है। जैसे कि मलेरिया के केस में भी ये होता है, सिकल सेल अनीमिया में भी आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। और इस केस में भी क्या हो जाता है, जो अनीमिया होता है वो हीमोलिटिक अनीमिया होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 है, दैट इज़ पोलीसाइथीमिया। पोली होता है मैनी, साइथीमिया मतलब कि साइट मतलब सेल, ठीक है, और मतलब डेफिशिएंसी से जुड़ा हम पढ़ रहे हैं तो अनीमिया, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज,
अब यहाँ पे क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी से होने वाला तो हमने पढ़ा थैलेसीमिया, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में WBCs के साथ।